दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस का फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बिहार पुलिस ऑनलाइन सर्च कर लेंगे और जो ऊपर वेबसाइट आती है उस पर आ जाएगा। यहाँ पे पहली लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हम आपको नोटिफिकेशन ना बताते हुए सबसे पहले चलते हैं, सीधे फॉर्म भर के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट कटेगा। सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, बने रहिएगा इस वीडियो पे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने हमारे YouTube चैनल पे विजिट किया है, तो चलिए आपको हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे बिना किसी गलती के। आप अच्छी तरह से इस बार इस फॉर्म को केयरफुली देखिएगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर घोषणा है, तो इस पर टिक करके आप यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे आपको चलना है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो पेज ओपन होके आता है इस प्रकार से, यहाँ पे आप नाम फिल करिए अपना। जो नाम आप फिल करेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और सर नेम, तीन कॉलम है। मान लीजिए आपका नाम अंकुश कुमार है, तो फर्स्ट नेम में आप अंकुश भरेंगे, मिडिल नेम आप छोड़ देंगे और सर नेम में कुमार भर देंगे। अभी आपको पूरा फॉर्म हम फिल करके दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या इसमें ना हो। तो एक एक पॉइंट देखिएगा, पूरा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड होगा, साइन किस प्रकार से करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है, और जो भी बातें हैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने फिल किया, उसके बाद मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे और लास्ट नेम फिल करेंगे। जैसा आप नाम हो उस प्रकार से आप फिल कर लेंगे। उसके बाद लिखा है इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आप तुरंत आपके पास हो वही मोबाइल नंबर आप प्रेफर करिएगा इसमें भरिएगा, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे तुरंत ओटीपी आना है। तो इस मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस आप केयरफुली भरिएगा। आप इस ऑप्शन पे ईमेल एड्रेस फिल करिएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप बिहार स्टेट के हैं या नहीं। तो भैया हम अदर स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल कर देगा, जैसा कि नियम है। अदर स्टेट से आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल हो जाएंगे। तो इसके बाद नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद एक बार अपने फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिएगा, जो नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह है, क्योंकि इस ऑप्शन के बाद सीधे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर ये फॉर्म ले जाएगा। चलिए हमने चेक कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से आ रहा है एप्लीकेंट डिटेल करके आ रहा है। इसमें आप जितने भी ऑप्शंस हैं, आपने जितना भी अभी फिल किया है, नाम, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, कैटेगरी आपकी और डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ शो हो रहा है, जिसको कि आप देख कर एक बार मैच कर लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट नीचे आइएगा, यहाँ पे आप टिक करने का ऑप्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करिएगा, उसके बाद लिखा है अमाउंट टू बी पेड 675, यानी 675 रुपये का चालान है। कैप्चा फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। अब पेमेंट आप किन किन माध्यमों से कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI के थ्रू हम डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करेंगे। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप UPI वाले ऑप्शन से फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या भीम, जो भी आप UPI यूज करते हैं उसके माध्यम से कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा OTP आएगा फ़ोन पे, उसको फिल किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारी एक रजिस्ट्रेशन आईडी
क्रिएट हो गई है और ये रजिस्ट्रेशन आईडी बड़े अक्षरों में लिखी है 80 करके, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी आएगी वो आएगी यहाँ पे। उसके बाद आपका पूरा लिखा नीचे कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका रिफंड नहीं आएगा। हमको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपके निर्देश आएंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए और ना इग्नोर करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे घोषणा पे टिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट देखिएगा आपको, जिला पुलिस की पोस्ट है बिहार विशेष, और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है अन्य कहीं, तीनों ऑप्शन आप भरना हो या जो भी आप प्रेफर करेंगे वो फिल करके नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे पिता का नाम भरना है आपको, उसके नीचे वाले कॉलम में आप अपने मदर्स नेम फिल करेंगे, उसके नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है मदर्स नेम फिल करने के बाद। उसके बाद आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आधार नंबर आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आपके चेहरे पे अगर तिल वगैरह है तो वो आप फिल कर सकते हैं, या भी कोई कट मार्क्स है वो फिल कर सकते हैं, यानी विशेष चेहरे की पहचान, इसको ज़रूर फिल करिएगा, बाद में वेरिफिकेशन के समय इसको देखा जाता है। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के भरिएगा जो भी आपका मार्क है। उसके बाद नीचे आ जाइएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाइएगा, यहाँ पे मैट्रिक यानी हाई स्कूल, उसके नीचे 10+2, ये डिटेल आपको मैंडेटरी आपको फिल करने हैं। यहाँ पे आप बोर्ड में, आप जो भी बोर्ड आपका है वो सिलेक्ट कर लेंगे, हम यूपी से हैं, यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन, उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू का डेट है वो आप केयरफुली अपने मार्कशीट में लेफ्ट साइड में नीचे है, अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपका मिल जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की जो डिटेल्स हैं वो हमने फिल कर लिया, सर्टिफिकेट नंबर फिल कर लिया, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट फिल करेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से सर्टिफिकेट इशू डेट फिल करने के बाद नीचे एड्रेस वाला कॉलम आपको दिख रहा है, एड्रेस डिटेल्स वहाँ पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे लिखा करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो परमानेंट वाले एड्रेस पे आपको अपना एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करने के बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन कर देंगे और पूरा यहाँ पे इस प्रकार से आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो यहाँ पे आप मेंशन आपको यस नो का करना है, अदरवाइज ये आप नो करते जाइएगा, जो भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आप नो करते जाइए, पढ़ते जाइए, नो करते जाइए। उसके बाद आ जाए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो आपकी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। यहाँ पे 6 फोटो बना कर भी बिहार बोर्ड ने, बिहार पुलिस बोर्ड ने जो भर्ती का है उन्होंने मेंशन किया है कि किस प्रकार के आपके फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं। पहला फ़ोटो जो इन्होंने दिया है, इस प्रकार का फ़ोटो अगर आपके पास है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा फ़ोटो बहुत ज़्यादा जूम आउट भी है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा फ़ोटो दिया है इन्होंने कि ये अगर ऐसे है, आपका कान भी आपका क्लियर दिख रहा है, फेस भी दिख रहा है, तो ये आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। चौथा फ़ोटो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लर अगर है तो, अगर चेहरे पे या फ़ोटो कुछ हल्का फुल्का फटा है तो उसमें भी नहीं, और अच्छा सा फ़ोटो जिसमें आपका पूरा चेहरा दिखाई दे और आंखें दिखाई दे साफ, आपके दोनों कान साफ दिखाई देते हों, उस प्रकार की फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। तो इस प्रकार से हमने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया। सिग्नेचर, एक पहला सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है, उसके बाद फिर हिंदी में सिग्नेचर जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है, ब्लू पेन का यूज नहीं करना है सिग्नेचर में, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा अगर कोई आपकी त्रुटि है तो अभी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ये फाइनल होगा, कृपया अपने द्वारा भरे गए पंजीकरण फॉर्म का अच्छी तरह जाँच लें। यहाँ पे हमने अपना पूरा फॉर्म देख लिया है, यहाँ पे सारा कुछ कर लिया है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट यहाँ पे टिक करके अगर सब कुछ सही है, फोटो सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ देख लीजिएगा आप, कोई भी कमी ना रह जाए, सब कुछ सही है, यहाँ पे नीचे कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये फाइनल आपका सबमिशन है। यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए,
इस प्रकार से आपका बिहार पुलिस का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जी हाँ, सबमिट। ओके ओके। जी हाँ, इस प्रकार से आप एक्नॉलेजमेंट, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, जी हाँ प्रिंट आउट इसका जरूर निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको एडमिट कार्ड्स वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ेंगी